नमस्कार, वेलकम टू माँ अम्बा रेसिपी चैनल। मैं वनीता आज बनाने जा रही हूँ मीठे राइस, जो कि इंडिया में बहुत सारे ओकेशंस पे बनाए जाते हैं, जैसे कि राखी पे बनाए जाते हैं, दशहरे पे बनाए जाते हैं, और बसंत पंचमी में भी इनको बनाने का बहुत अच्छा महोत्सव है, और कुछ लोग इसको रिलीजियस प्लेसेस में भी चढ़ाते हैं। सो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम राइस लिए हैं और इसमें कुछ ही इंग्रेडिएंट से ये बन जाते हैं। इसमें अगर ये 200 ग्राम राइस हैं तो 100 ग्राम हमने शुगर लेनी है, और इसमें आप 100 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं, जैगरी, ये आपकी अपनी मर्जी है। और हमें कटे हुए बादाम और कुछ साबुत बादाम और धुली हुई किशमिश, ये बादाम और किशमिश को धो लेना है, और साथ में हमें 3 इलायची चाहिए। तो हम इसको बनाना अभी शुरू कर रहे हैं। पहले हमने इन राइस को आधा घंटा भिगो लेना है, मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं। इसका पानी अब हम स्ट्रेन कर देंगे, इसका पानी मैंने ऐसे निकाल दिया है। अब इसको हम एक खुले बर्तन में डाल देंगे। खुले बर्तन में बनाने से ये और भी ज्यादा टेस्टी बनते हैं, और साथ ही साथ हम ये बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं कि ये सही बन रहे हैं। अगर पानी कम है या ज्यादा है तो हम इसको पानी को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। एक वॉक में हमने इनको डाल लिया है, और साथ में इससे इसकी क्वांटिटी का डबल पानी डालना है। जैसे कि ये 200 ग्राम थे राइस, तो इसका मैंने डबल क्वांटिटी पानी डाल दिया है। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने इसकी लिड इसके ऊपर लिड लगा देनी है, और इसको 5 मिनट्स तक ऐसे ही पकने देना है। चलो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी लिड उतार देंगे। इसको हिलाएंगे, अब ये आधे कुक हो गए हैं, तो इसमें हम शुगर डाल देंगे और इसमें ये साबुत बादाम और किशमिश डाल देंगे। आधी किशमिश डालिए, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख दीजिए। और इसमें ये इलायची है, जो इसको छील लेना है, जिसको मैंने ऑलरेडी छील लिया है और इसमें डाल दिया। इसको कूट लेना है, इसमें अच्छे से कूटने के बाद ये इलायची राइस में डाल देनी है। अगर हम इसको अब डालेंगे तो इसका और भी अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हमेशा इनको जब ये आधे कुक हो जाए तब ही डालना है। अब इनको हम फिर से स्टर कर देंगे अच्छे से, और 10 मिनट्स के लिए फिर से इसको कवर करके रख देंगे। मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसका लेड उतारेंगे और राइस को हल्के हाथ से हिलाते हुए चेक करना है। इसका एक सैंपल ले लेंगे कुछ राइस का, और चेक करेंगे कि ये पक गए हैं या नहीं। ये एकदम कुक हो गए हैं, सो मीठे राइस रेडी हैं। कुछ लोग इसमें फ्रूट कलर भी डालते हैं जिससे इनका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे ये वाइट ही पसंद है, तो इसलिए मैंने किसी भी फ्रूट कलर का यूज नहीं किया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसको एकदम हल्के हाथ से ही लेना है, नहीं तो राइस बीच में से टूट जाएंगे। और इसको अब हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए मीठे राइस एकदम तैयार हैं। आप भी खाइए और अपनी फैमिली में सबको खिलाइए। थैंक यू।